नागपुर जिले के उम्र ब्रह्मानी गांव में डांस हंगामा के नाम पर ऐसा ही एक डांस होने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने कुही और मौदा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। अश्लील नृत्य मामले में अब तक 11 लोगों को आरोपित किया गया है और 4 आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है और अदालत ने उन्हें 26 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उमरेड के ब्राह्मणी गांव में हुई इस घटना की पुलिस जहां जांच कर रही है, वहीं कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। 16 से 17 जनवरी के बीच कुही तालुका के सिली में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ युवाओं ने नग्न नृत्य किया। कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन या पुलिस की अनुमति के बिना आयोजित किए गए थे। जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि जिले में इस तरह के अश्लील कार्यक्रम व्यापक रूप से आयोजित किए गए थे, पुलिस ने जांच के दायरे का विस्तार किया और यह पता चला कि कामठी तालुका के भूगांव में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके आधार पर कुही व मौदा पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोलीस कोठडीमध्ये 11 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत आणि 3 मुली ज्या आहेत ह्या डान्स पार्टी शो करणाऱ्या, तर 3 मुलींना आम्ही चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेलं आहे। या 3 मुली त्या 11 आरोपीमध्ये आहेत की नाही? 11 आरोपी ज्यांना अटक केलेली आहे त्या 11 आरोपी आहेत। या 3 मुलींना आपण फक्त चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेलं आहे। चौकशी करून त्यांचा रोल निष्पन्न होऊन आपण पुढची कारवाई त्यांच्यावर करणार आहोत। यांची PCR वगैरे मिळालेला आपल्याला? अटक केलेल्या आरोपींचा जे 10 आरोपी अटक केले होते सुरुवातीला पहिल्या दिवशी, त्या लोकांचा आपण PCR घेतलेला आहे 1 दिवसाचा। आणि ज्या डान्स ग्रुपचा जो मेन मालक आहे, संचालक ॲलेक्स म्हणून, त्याला आपण काल रात्री अटक केलेली आहे। त्याचा आपण आज PCR कोर्टाकडे मागणी करणार आहोत। साधारण सर्व आरोपी कुठल्या भागातील रहिवासी आहेत? जे आरोपी आहे त्या आरोपीमध्ये 3 जे आहेत ते गावातलेच त्या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत। नागपुर जिले के उमरेड के बाद कुही और कामठी तालुका में भी अश्लील बंद शामियाने में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर नग्न नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि कार्यक्रम में अश्लील नृत्य करने वाले और कितने कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल थे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।